हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेज पिज़्ज़ा। हम ये पिज़्ज़ा कढ़ाई में बनाएंगे और कढ़ाई में भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए वेज पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का बेस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। ध्यान रहे कि हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही चीज़ें डालनी है, तभी बिना ईस्ट के सॉफ्ट सॉफ्ट सा मुलायम बेस तैयार होगा। और अब इसमें हम डाल देंगे ये दही। दही हमें ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, एकदम फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। तो दही यहाँ पे हम लगभग 4 बड़े चम्मच डाल देंगे। दही डाल देने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। अगर हल्का सा टाइट लगे आटा तो इसमें लगभग 1-2 चम्मच पानी डाल देंगे, पर इससे ज़्यादा पानी ना डालें। तो ये मैंने सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लिया है। अब इसमें हम लगभग 1.5 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे फिर से एक बार हम अच्छे से मसल लेंगे। अब इसे हम लगभग 15-20 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से फूल कर सेट हो जाए। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम यहाँ पे कढ़ाई को प्रीट करने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छी गहरी वाली कढ़ाई ली है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं और नमक को इस तरह से फैला लेंगे। आप इस नमक को बाद में ठंडा होने के बाद स्टोर करके रख लें और जब भी आपको फिर पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम कोई कटोरी या फिर एक रिंग रख देंगे। मेरे पास ये रिंग है तो यहाँ पे मैं इस तरह से रिंग रख दूंगी। अब इस कढ़ाई को हम कवर कर देंगे और लगभग 15 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। इधर हमारा आटा बढ़िया से सेट हो चुका है। अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें और इसे एक बार अच्छे से मसल लें। हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम बेल लेंगे। तो बेलने के लिए मैंने यहाँ पे चकली पे थोड़ा सा मैदा लगा दिया है। अब इसे बेल लेंगे, पर इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हल्का सा मोटा ही रखेंगे। अगर बेस को हम बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो इसे पकने में भी बहुत ही समय लग जाएगा, तो बस इसे हल्का सा ही मोटा बेलें। तो इसे मैंने बस हल्का सा ही मोटा बेला है, ये देख सकते हैं। इधर स्टील की प्लेट में मैंने तेल लगा कर इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम पिज्ज़ा बेस डाल देते हैं। अब इस पिज्ज़ा बेस के किनारों को हम हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। हमें हल्का सा गड्ढा कर लेना है किनारों से, इस तरह से। और अब इसके किनारों में हल्का सा हम बटर लगा देंगे या फिर ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसमें हम एक फोक की मदद से होल कर देंगे जिससे पिज्ज़ा बेस जो है फूलेगा नहीं। अब इसमें हम पिज्ज़ा सॉस डाल देंगे। पिज्ज़ा सॉस में मैंने थोड़ी सी सेजवान चटनी भी मिला दी है, इससे पिज़्ज़ा और भी टेस्टी लगेगा। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो सेजवान चटनी में आप थोड़ी सी टोमेटो सॉस मिला दीजिए, उससे भी बढ़िया टेस्ट आएगा। इसके बाद इसमें हम चीज़ डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं थोड़े से ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि बच्चे हो या बड़े, सभी को चीज़ी पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है। तो ये मैंने चीज़ डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़े से वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं। मैंने थोड़े से शिमला मिर्च लिए हैं जिसमें थोड़ी पतली पतली साइज़ में काट ली है। सब्ज़ियाँ अपने हिसाब से आप कोई भी डाल सकते हैं अपनी पसंद से। मेरे पास जो था मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और थोड़े से पनीर लिए हैं। आप वेजिटेबल्स को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जैसा आपको पिज़्ज़ा सजाना पसंद हो। मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स सजा दी है। अब ऊपर से भी हम इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। आप इसमें स्वीट कॉर्न, ऑलिव्स या जो सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें आप डाल सकते हैं। तो अब ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। हमने जो कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रखा है उसमें हम इसे डाल देंगे। कढ़ाई में इस प्लेट को सावधानी से डालें और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। आप इसे 8-10 मिनट के बाद एक बार चेक करके ज़रूर देख लें। तो लगभग 22 मिनट हो चुके हैं, हम ये ढक्कन हटा लेंगे और हमारा पिज़्ज़ा अब अच्छे से पक चुका है। हम गैस ऑफ कर लेंगे। अगर आपका पिज़्ज़ा नहीं पका है तो आप उसे 5 मिनट के लिए और पका लें। तो अब हम यहाँ पर पिज़्ज़ा को कट कर लेंगे। आप इसमें और बाजार वाला टेस्ट देने के लिए ऑर्गिनो रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। हमारा ये पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छे से पक चुका है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये पका है। इसके सारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से पक चुकी है और आप बैक साइड भी देख सकते हैं, इसका बेस भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब आप भी बनाइए बिना ओवन बिना ईस्ट ये होममेड वेज पिज़्ज़ा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरी नई नई वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।